नमस्कार, मैं रविश कुमार। बैंक सीरीज बाद में, पहले नौकरी सीरीज। ध्यान से देखिए, टीवी तो बदलेगा नहीं, देखने का तरीका बदल लीजिए, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होने वाला है। 19वें अंक में आपका स्वागत है। मुझे लगता था कि बेरोजगार एक सामूहिक शब्द है, इस शब्द के इस्तेमाल से सभी बेरोजगारों के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन नौकरी सीरीज के दौरान सैकड़ों मैसेज से गुजरते हुए लगा कि युवा अपनी नौकरी, अपनी परीक्षा को लेकर अलग अलग समूह में बटे, छोटे छोटे कटोरे में। एक समूह का दूसरे समूह की बेरोजगारी या परेशानी से कोई मतलब नहीं है। रेलवे का बेरोजगार बीपीएससी की परीक्षा के बेरोजगार से अलग है, कोई मतलब नहीं रखता, एक दूसरे से संबंध नहीं रखता। यही पैटर्न आप हर दो समूह के भीतर देखेंगे। यही कारण है कि संख्या में अधिक होने के बाद भी युवाओं की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, ना ही उनकी परीक्षाओं को चार चार साल टालकर किसी दल या सरकार को कोई फर्क पड़ता है। युवा छोटे छोटे समूह में लड़ते हुए खुद के लिए बेरोजगार जैसे शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, बेरोजगारों की शक्ति, मगर ये बहुत छोटे समूह हैं। यही कारण है कि हमारा युवा अपनी लड़ाई तो लड़ रहा है, मगर उसका दायरा इतना सीमित है कि नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। अभी भारत के युवाओं को 4-5 साल और घटिया परीक्षा व्यवस्था के साथ जीना पड़ेगा। ना युवा अपनी बर्बादी के कारणों को पहचानते हैं, ना उनके समझदार माँ बाप। हमारे युवाओं की पॉलिटिकल क्वालिटी या समझ वाकई बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में 18 फरवरी को राज्य सेवा एवं वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हुई। 4 दिन बाद आयोग ने जब अपनी वेबसाइट पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर डाले तो छात्र हैरान रह गए। वे समझ नहीं पाए कि सवाल गलत पूछा गया था या जवाब गलत दिया गया है। करीब करीब 15 ऐसे प्रश्न सामने आए जिन्हें लेकर विवाद हो गया। मध्य प्रदेश के अखबार इन विवादित प्रश्नों के समाचारों से भरे पड़े हैं। जैसे भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो जवाब आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया, जो कि गलत है, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यही नहीं, अब किसी छात्र को यह बताना है कि जवाब गलत है तो इसके लिए उसे एक सवाल के लिए 100 रुपए की फीस भरनी होगी आयोग के सामने। देखिए, इस बार 15 सवाल पर विवाद है तो 1500 रुपए की फीस आपको भरनी पड़ेगी, तब जाकर आयोग को चुनौती दे सकेंगे कि आपने जो उत्तर पेश किया है वो गलत है। दुनिया में ऐसी नायाब व्यवस्था आपको कहीं नहीं दिखेगी। तभी तो कहता हूं कि युवाओं की पॉलिटिकल क्वालिटी 3rd क्लास है। गलती आयोग की है तो उसे खुद सुधार आयोग को करना चाहिए, मगर आयोग अपनी गलती बताने वाले छात्रों से 1500 रुपए मांग रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कल कोई मुख्यमंत्री कहे, आपको मेरी गलती बतानी है तो आपको 1500 रुपए की फीस देनी होगी। क्या आप इस व्यवस्था को तर्कसंगत मानेंगे? आयोग कह सकता है कि बड़ी संख्या में छात्र चुनौती देते हैं तो हमें फीस लगानी पड़ती है, लेकिन इसके बदले क्या उनसे फीस ली जाएगी जो गलत सवाल पर सवाल उठाते हैं? अगर आयोग सही नहीं रहता तो आयोग खुद सुधार कर ले। अगर युवाओं में गलती है तो अपनी तरफ से जवाब छाप दे कि यही हमारा अंतिम जवाब है, हमारा जवाब गलत नहीं, लेकिन हम चुनौती देने के लिए आपसे पैसे भी लेंगे। इस परीक्षा के बाद छात्र परेशान है कि फीस देकर आयोग की गलती साबित करें या आंदोलन करें, या सब करेंगे तो पढ़ेंगे कब? छात्रों ने ज्ञापन तैयार कर लिया है, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल वगैरह को भिजवा रहे हैं, सचिव वगैरह को भी भिजवा रहे हैं। नई दुनिया ने लिखा है कि 2010 के साल में तो 40 सवाल बदलने पड़े थे, 8 साल बाद इतना सुधार हुआ है कि 15 सवालों पर सवाल उठ रहे हैं। आप चाहें तो इसे विकास समझ सकते हैं। जाहिर है छात्रों की नींद उड़ गई है। इस परीक्षा में आयोग ने 15 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तरों में 4 विकल्प उसके गलत हैं। सामान्य विद्यार्थियों से बनने वाले प्रश्नों के उत्तर भी आयोग गलत कह रहा है। जैसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार किसे कहा जाता है, ये पूछा है, इसका सही उत्तर छतरपुर है, जबकि आयोग इसका उत्तर बता रहा है झाबुआ। दूसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? मेहर अली ने इस नारे को लिखा है और महात्मा गांधी ने पब्लिक के सामने इसको रखा है। आयोग इसका उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बता रहा है। ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर आयोग गलत बता रहा है। विद्यार्थी को प्रश्न पे, क्या हमें एक ईमानदार और बेहतर परीक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए? यह क्यों है कि हर राज्य में युवा परेशान है मगर किसी राज्य में यह सवाल नहीं है? क्या युवाओं ने और उनके माँ बाप ने तय कर लिया है कि उनका भविष्य हम घर से लेकर बाहर तक में बर्बाद कर देंगे और टीवी पे उन्हें हिंदू मुस्लिम डिबेट दिखाकर उनका मनोरंजन करवाएंगे? अगर युवा अपनी परीक्षा को लेकर रोते रहेंगे तो उनके राज्य में कभी एक बेहतर परीक्षा व्यवस्था नहीं बनेगी। तो अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी बोलिए। रेलवे अप्रेंटिस के छात्र प्रदर्शन करें तो वन सेवा वाले भी उसमें जाएं, और बीपीएससी के छात्र प्रदर्शन करें तो उसमें बैंकिंग परीक्षा वाले जाएं।
वरना क्रांति का वो गाना, क्रांति फिल्म का गाना रोज सुना कीजिए, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिलहाल टीवी देखना कम कर दीजिए। स्लोगन में स्वर्ग नहीं होता है। यह तस्वीर मध्य प्रदेश की है। नर्मदा बांध आंदोलन से प्रभावित जब गरीब किसानों ने प्रदर्शन का यह तरीका निकाला तो राज्य के नौजवानों में से कम ही ने उनका साथ दिया होगा, लेकिन अब जब खुद पर बीती है तो उन किसानों के प्रदर्शन का आइडिया चुरा कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में संविदा यानी एडहॉक पर काम करने वाले इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वे परमानेंट किए जाने की मांग कर रहे हैं। कहते हैं जितना काम वो करते हैं उतने ही काम को परमानेंट करने वाले को दुगना पैसा मिलता है काम के लिए। सिवनी जिले में जब इन नौजवानों को अपना तंबू तक नहीं लगाने दिया गया तो ये बाणगंगा नदी में उतर आए। सुबह 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ये नदी में के पानी में रहते हैं। जब तक सब अलग अलग समूह में लड़ेंगे, नदी के बाद नाले में भी उतर जाएंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिक बात आपको समझनी पड़ेगी, चाहे आप प्राइम टाइम देखें या ना देखें। ये लोग 12 से 18 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक परमानेंट नहीं हुए। योजना बंद करने और कार्य समीक्षा के नाम पर 2000 लोग निकाल भी दिए गए, इन्होंने बताया। ये लोग सिवनी जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं। उत्तराखंड से हमारे सहयोगी दिनेश मानसेरा ने बताया है कि राज्य भर में बेरोजगारों के अलग अलग प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। जिस तरह से मुझे बेरोजगार शब्द के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्हें भी एक ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ये कि राज्य में सरकार ने कई भर्तियों को विज्ञान और कला में बांटकर बेरोजगारों को आपस में भिड़ा दिया। जैसे रेलवे की भर्ती को लेकर ITI और गैर ITI छात्र आपस में भिड़े हुए हैं, उसी तरह से देखिए। यह तस्वीर 26 फरवरी की है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन कर रही करीब 30 महिलाओं को पकड़कर बस में ले जाया जा रहा है। इन सब के पास नर्सिंग में डिप्लोमा है। 15 मार्च 2016 को, आज से 2 साल पहले, उत्तराखंड में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 440 पदों का विज्ञापन निकला। 300 से 600 की फीस जमा कर दी। 6600 से ज्यादा ANM डिप्लोमाधारी महिलाओं ने आवेदन किया। नई सरकार आई तो कैटेगरी बदल गई। कहा गया कि 440 पदों पर उन्हीं नर्सिंग डिप्लोमा वाले को मौका मिले जिन्होंने 12वीं में साइंस पढ़ा है। अब इस एक फैसले से 5500 महिलाएं बाहर हो गईं जिन्होंने 12वीं में आर्ट्स पढ़ा था, जबकि इन महिलाओं ने उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से पढ़ने के लिए तीन साल में 3 से 4 लाख रुपए खर्च किए हैं। तभी सरकार को यह नीति बनानी चाहिए थी कि आर्ट्स से पास होने वाली महिलाएं नर्सिंग की डिग्री नहीं ले सकती हैं। सरकारी नर्सिंग कॉलेज में भी आर्ट्स और साइंस दोनों से 12वीं करने के बाद महिलाएं जो है नर्सिंग कर सकती हैं। फिर नौकरी देने में यह बंटवारा क्यों? बहाली की प्रक्रिया को विवादित बना देना कोई रणनीति लगती है ताकि इसी में केस मुकदमा होता रहे और टाइम कट जाए। इसमें हमारा लगभग 4 लाख तक का खर्चा आया है और आज परिस्थिति यह है कि सरकार हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है। और 5500 लड़कियां हैं, आर्ट्स वाली लड़कियां, और आज साइंस ग्रुप वाली लड़कियां, जबकि 1500 के आसपास होंगी साइंस वाली, इसके बाद उनको जॉब दे रही है साइंस वाली लड़कियों को और हम लोग को घर पर बिठा रही है, जबकि हम लोगों ने 2 साल का कोर्स हम लोगों ने भी उन्हीं के साथ किया है जो साइंस वाली लड़कियां, आज उनको तवज्जो दिया जा रहा है, सरकार उनको आगे कर रही है। और आज जॉब के टाइम पर हम लोग को कह रही है कि हम लोग इसके एलिजिबल नहीं है और नियमावली के दायरे पर नहीं आते, जबकि INC रूल के अकॉर्डिंग तो हम उसके दायरे में आते हैं। साइंस वालों को ही जॉब देते तो हम ना ये कोर्स करते, ना अपना टाइम खराब करते, हम कुछ ना कुछ तो करते, ऐसे बेरोजगार नहीं बैठते। नहीं देखिए, फॉरेस्ट में इस तरह की प्रॉब्लम आई थी पिछली सरकार के समय में, उसके मानक इंटर विज्ञान कर दिया गया था। हमको ये लगा कि इसके लिए विज्ञान कोई जरूरी नहीं है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, इसलिए हमने विज्ञान को उसमें से हटाया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में 5 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई कैंपस नहीं, टिस्के बाकी 3 कैंपस में भी प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रशासन के साथ बैठक तो हुई मगर समाधान नहीं निकला। अब देखिए, आप कभी टिस के छात्रों से मिलिएगा, इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, पढ़ाई में योग्य तो है ही, समाज सेवा में भी ये छात्र कमाल करते हैं। पर ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भारत सरकार ने वापस ले ली है। टिस ने आदेश जारी किया है कि 2016-18, 17-19 के बैच के छात्र ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, डाइनिंग फीस का भुगतान करें। इन छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की सुविधा मिल रही थी जो अब बंद हो गई है।
इंडियन एक्सप्रेस की प्रियंका साहू से बात करते हुए टिस प्रशासन ने कहा है कि संस्थान अपने स्तर पर संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहा है। यह अजीब तर्क है, जब सरकार स्कॉलरशिप दे रही थी तो वो मिलनी चाहिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने जब इसकी फाउंडेशन को लेट किया गया तो ये बात की कसम खाई गई कि उस समाज को हम हायर एडुकेशन तक पहुंचाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब से ये सरकार आई है तो टीआईएसएस का जो विजन था कहीं ना कहीं उसको कमजोर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, 2014 तक यहां ओबीसी को भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी। जब 2014 के बाद मोदी सरकार के आने के बाद वो व्यवस्था खत्म हुई तो आज ओबीसी 28% से 17% आ गए हैं। आपने कहा कि हम ड्रॉपआउट रेट कम नहीं होना चाहते हैं। अरे अरे प्रधानमंत्री जी, अगर आप तक अरे शिक्षा मंत्री जी, अगर आप तक हमारी बात पहुंच रही है तो जवाब दीजिए। यहाँ आज एससी एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स ड्रॉपआउट की दहलीज पे खड़े हैं, उनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है। आप लोग क्यों इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं? अब एक ऐसी समस्या का जिक्र होगा जिसका समाधान मुझे पता नहीं। संसद से लेकर छात्रों ने कई बार यूपीएससी से कहा मगर समाधान नहीं निकला। जब भी यूपीएससी का फॉर्म निकलता है छात्र एक चांस दिए जाने की मांग से बेचैन उठते हैं। तमिलनाडु से और केरल से भी छात्रों ने संपर्क किया। मैं हैरान रह गया कि वहां भी लोग देख रहे हैं मुझे, तब लगा कि बात रख देते हैं। आप जानते हैं कि 2011 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट लागू हुआ था, इसे लेकर हंगामा हुआ। छात्रों का कहना था कि इस प्रणाली से साइंस और इंजीनियरिंग और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को फायदा पहुंचा, आर्ट्स वाले और हिंदी मीडियम वाले पीछे रह गए। सीसेट का आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ा था, तब बड़े बड़े नेता इनके समर्थन में आए। ये तस्वीर 29 जनवरी 2018 की है। यूपीएससी के सामने छात्रों ने प्रदर्शन किया। 2015 में सरकार ने सीसेट को क्वालिफाइंग राउंड से हटा दिया। सरकार ने फैसला किया उस साल कि जिन छात्रों ने 2011 में पहली बार इस सिस्टम के तहत परीक्षा दी थी उन्हें एक मौका दिया जाएगा। लेकिन 2012-13 और 2013-14 में जिन छात्रों को सीसेट के कारण नुकसान हुआ वो चाहते हैं कि उन्हें एक चांस मिले। उन्हें मानना है कि सीसेट के कारण उनका भी साल बर्बाद हुआ। खासकर से और उत्तेजित हैं, खासतौर से क्योंकि जब से उन्हें पता चला कि जम्मू कश्मीर के छात्रों को यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी गई है, तब से ये आशान्वित हो गए हैं और बेचैन भी। इनका कहना है महबूबा मुफ्ती के प्रयास से इन्हें छूट मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल रही। शायद ये छात्र हिंदू मुस्लिम डिबेट के नाम पर टीवी ने कश्मीर को जिस तरह से पेश किया और ये उसके ग्राहक बनाए गए, अब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। 2011 में यूपीएससी ने सीसेट नाम का एक पेपर शुरू किया। इस पेपर की शुरुआत के बाद 11 से 15 के बीच में वो छात्र छात्राएं जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भारतीय भाषाओं या हिंदी माध्यम से की है, उनके रिजल्ट में जो कि पहले 40 से 45% रहता था 2010 तक, वो 11 से 15 के बीच में कम होकर सिर्फ 10 से 12% रह गया। 2015 में बहुत सारे विरोध के प्रदर्शन के बाद सरकार ने इस पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया। लेकिन हमारा ये सवाल है कि सर 11 से 15 के बीच में जिन छात्र छात्राओं ने अपने लिमिटेड अटेम्प्ट्स को खोया है उनको कंपनसेशन के रूप में कुछ अवसर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? भारत की संसद में कई बार इस इशू को उठाया है लेकिन आज तक सर इस इशू को रिजोल्व नहीं किया गया है। 2 साल से हम कभी इस दरवाजे से उस दरवाजे तक, कभी यूपीएससी से डीओपीटी भटक रहे हैं। आप देख रहे हैं नौकरी सीरीज का 19वां। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक 700 से अधिक छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है, जबकि परीक्षा पास किए हुए साल बीतने जा रहा है। आप ही बताइए, 700 से अधिक छात्र परीक्षा पास कर चुके हैं, मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, कईयों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब उन्हें 11 महीने से ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल फिक्सिंग वाले मैच से कहीं ज्यादा ये सारी बड़ी खबरें हैं? खबरों का अपना स्वाद और प्राथमिकता बदल लीजिए, वरना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, बल्कि हो चुका है। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का दफ्तर है, इसके सामने छात्रों ने पिछले शुक्रवार को प्रदर्शन किया। ये छात्र इंजीनियर हैं, सहायक इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए 2013 में लिखित परीक्षा हुई थी। जेई के 3,222 पद थे और असिस्टेंट इंजीनियर के 952 पद थे। विज्ञापन निकला 2013 में, लिखित परीक्षा हुई 3 साल बाद 11-12 अप्रैल 2016 को विज्ञापन निकला था। 2016 को लिखित परीक्षा हुई, जेई की लिखित परीक्षा हुई 22-23 मई 2016 को। इसके बाद से 2 साल बीत गया, रिजल्ट नहीं आया। 11 दिसंबर 2017 को आयोग के सामने नौजवानों ने प्रदर्शन किया। लिखित आश्वासन मिला कि 15 फरवरी को असिस्टेंट इंजीनियर, अप्रैल में जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट निकाल देंगे। 15 फरवरी को भस्म हुए 11 दिन हो गए हैं। यह भारत देश में ही हो सकता है कि 2013 की परीक्षा का परिणाम
फरवरी 2018 तक नहीं आया है, तभी मैं कहता हूं कि भारत के नौजवानों को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जबकि इनकी पॉलिटिकल क्वालिटी बहुत खराब है। खराब ना होती तो इस तरह की ठगी उनके साथ हर राज्य में नहीं होती। मेरी बात बुरी लग सकती है, मगर वे खुद से चेक कर ले, मेरी ही बात सही लगेगी। पटना में हमारे सहयोगी मनीष कुमार से शारीरिक चुनौतियों वाले छात्र मिलने पहुंचे। इन्होंने जो हाल बताया वो सुनकर आप बेहाल हो जाएंगे। 2010 में ये लोग परीक्षा, एक विज्ञापन निकलता है इनकी परीक्षा का, पास करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं। इनकी संख्या 49 है, ज्वाइनिंग की, उसके बाद 8 महीने तक नौकरी की, फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने नौकरी से इन्हें हटा दिया। ठीक उसी तरह से जैसे झारखंड में दारोगा की 2 साल की ट्रेनिंग होकर ज्वाइनिंग कराकर उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। कारण बताया गया कि विकलांगता आरक्षण का सही पालन नहीं हुआ। इस परीक्षा का विज्ञापन 2010 में निकला था, 3 साल बाद 24 अगस्त 2013 को रिजल्ट आया। 3 साल बाद जनवरी 2014 से लेकर अगस्त 2014 तक नौकरी पर रहे, मगर बाद में हटा दिए गए। इन्हें प्राइम टाइम की नौकरी सीरीज से उम्मीद हो गई है, तो शायद सरकार सुन ले। आप सोच रहे होंगे कि इस देश में अदालत है या नहीं, बिल्कुल अदालत है। पटना हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2015 को ऑर्डर दिया कि इन 49 विकलांगों को फिर से बहाल कर दिया जाए। अभी तक बहाली नहीं हुई। ये दोबारा हाईकोर्ट गए, दिसंबर 2016 में फिर से इन्हें आदेश मिला कि इनकी बहाली की जाए, मगर अभी तक नहीं हुई। आपको लगता है कि हाईकोर्ट के दो दो आदेशों से जब किसी को फर्क नहीं पड़ा तो प्राइम टाइम से फर्क पड़ जाएगा? हम लोग के कार्यकाल लगभग 8 से 12 महीने करने के बाद हम लोग को नौकरी से निकाल करके बाहर कर दिया गया। कारण यह बताया गया कि बिहार का जो विकलांगता आरक्षण अधिनियम है, जिसमें 3% दिया जाना है, 1% विकलांगता का आरक्षण दिया जाना है मूक बधिर, अस्थि विकलांग तथा दृष्टिबाधित को, उसका अनुपालन नहीं किया गया, यह बात बताया गया था। इसके हमने नौकरी सीरीज की शुरुआत स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा से की थी। पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया कि महाराष्ट्र सर्किल के पोस्टल विभाग से ज्वाइनिंग के लिए 353 नौजवान चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं। हमने प्राइम टाइम की नौकरी सीरीज के 17वें अंक में इस महाराष्ट्र सर्किल की बात की थी। आज महाराष्ट्र सर्किल की वेबसाइट पर पोस्टिंग की खबर आ गई है। 353 नौजवानों को बता दिया गया है कि किसकी पोस्टिंग किस ब्रांच और शहर में होगी। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। अगर एक शो से 353 छात्रों के जीवन पर असर पड़ सकता है तो नौकरी सीरीज मई की जगह जुलाई तक करूंगा। क्या हमारे भारत के नौजवान एक ईमानदार परीक्षा व्यवस्था हासिल करने लायक नहीं है? इरादा कर लेंगे तो हासिल भी कर लेंगे जुलाई से पहले। ये रही एक छात्र की प्रतिक्रिया। मैं SSC CHSL 2015 का कैंडिडेट बोल रहा हूं। NDTV और रवि सर को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ही पत्रकारिता के असर के कारण आज हम लोगों का महाराष्ट्र डिवीजन का एलोकेशन आया है। इसके लिए हम उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। कई छात्रों ने वादा किया है कि वो अब कभी हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं करेंगे, यानी कि वो नफरत सांप्रदायिकता, देखिए आपके बच्चों को मानव बम में बदल देगी, संभालिए बचाइए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा CGL 2016 के छात्रों के लिए भी खुशखबरी है। हमने इसका भी सवाल उठाया था कि पास करने के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर के लिए क्यों उन्हें 7 से 8 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। तो CBDT जो आयकर विभाग की संस्था है, इसके लिए 1114 पदों के लिए परीक्षा पास कर ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। पहले एपिसोड में इसका जिक्र हुआ था। 8 महीने बाद अब चिट्ठी मिल सकती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर जिनकी नियुक्ति हुई है उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपनी पसंद की जगह का चुनाव करें और फॉर्म जमा करें। चलिए ये भी पूछ रहे होंगे कि होली कब है, कब है होली? ब्रेक के बाद बैंकिंग सेक्टर, यह सीरीज भी चलेगी जब तक लाखों बैंकर परिवारों के घर में दिवाली नहीं आएगी।